जय हिंद जय भारत राम राम नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग और आपके जो साउंड सिस्टम का जो कार्य है वो कैसा चल रहा है और मेरा वीडियो कौन से शहर कौन से गांव कौन से राज्य से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं गाइस काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेके कर आए और पर वो वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब है अगर आपने टाइटल थमने सही देखा आपको भी एक माइक्रोफोन की तलाश है जो आपके बजट के अंदर और जो पंद्रह से बीस हज़ार वाले माइक्रोफोन को टक्कर देता हो सीरियसली दोस्तों मैं इस बात की आपको आज गारंटी देता हूँ कि जो आज माइक्रोफोन मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसको आप 15 से बीस हज़ार वाले माइक्रोफोन के साथ में कंपेयर कर सकते हो एक जितने वॉल्यूम में खोल के उसमें आप सिंगिंग कर सकते हो या आपको कोई और भी यूज़ करना तो आप कर सकते हो फिर उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपने एकदम सही बात बोली ये 15 से बीस हज़ार वाले माइक्रोफोन को टक्कर देता है क्योंकि ये बजट के अंदर वाला माइक्रोफोन है इसका क्या प्राइस है ये कौन सी कंपनी का है ये हम सारी बात आगे वीडियो में करेंगे मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि ऐसा माइक्रोफोन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा हो सकता है लुकिंग कहीं ना कहीं मिलता हो पर दोस्तों ऐसी क्वालिटी ऐसा एच हाई फ्रिक्वेंसी ऐसा एम एफ, मिड फ्रिक्वेंसी एल एफ, लो फ्रिक्वेंसी इवन ये माइक्रोफोन दोस्तों बहुत ही हाई गेन है इनकी जो इक्वलाइज सिस्टम है एच एफ एम एफ एल एफ तीनों ही बहुत शानदार है आप चाहे कोई मेल सिंगर हो आप कोई फीमेल सिंगर हो सबके साथ में इसकी वॉइस मैच होगी और बहुत ही अच्छा क्रिस्टल क्लियर वॉइस आपको देखने के लिए मिलेगा आपके इस सिस्टम में से आपके पास कोई ट्रॉली स्पीकर है आपके पास कोई व्यूफर सिस्टम है या कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप सिंगिंग करते हो डेली और आपका गला है जो खींचता है गले में पेन होने लग जाता है आप एक दो गाने गाते हो आपका गला दर्द करता है उससे आपको मानसिक तनाव होता है फिर आप सिंगिंग करना छोड़ देते हो कि नहीं आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे तो दोस्तों उसके पीछे ये रीज़न नहीं होता कि आपके पास सिस्टम बहुत बढ़िया कभी ना कभी माइक्रोफोन भी अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है आप अगर मेरी तरह साउंड सिस्टम का कार्य करते हो आपके पास बहुत महंगे से महंगा इक्विपमेंट्स है सिस्टम एम्पलीफाई मिक्सर स्पीकर सब कुछ है पर फिर भी आउटपुट अच्छा नहीं आता जब एक सिंगर सिंगिंग करता है वो बार बार आपको कहता रहता है हमारा गला खिंच रहा है आवाज़ सही नहीं आ रही तो दोस्तों माइक्रोफोन भी बहुत बड़ा अपना रोल निभाता जैसे मैंने आपको बताया तो जो आज का वीडियो वो इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर हम कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये माइक्रोफोन सीरियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी बात ये माइक्रोफोन बजट के अंदर है और मैं कह रहा हूँ ऐसा माइक का नाम आपने आज से पहले सुना भी नहीं होगा एक माइक का नाम है एम आई वो है राग संगीत के ऊपर इसका नाम है जैसा कि आप देख सकते हो सब कुछ मेनसन है इसके बॉक्स के ऊपर राग है ये और एक माइक्रोफोन है एम आई वन टू फाइव ये है अलाप दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइक्रोफोन आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किए होंगे कर रहे होंगे महंगे से महंगा माइक्रोफोन आप चला रहे होंगे पर मैं सीरियसली दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा माइक्रोफोन इवन मैंने भी पहले कभी नहीं देखा जिसके अंदर इतनी शानदार क्वालिटी हो जिसका इक्वलाइजर सिस्टम बहुत ज़्यादा अप लेवल पर हो मैं कह रहा हूँ विसल प्रॉब्लम भी एम आई फिफ्टी एट के अंदर नो के बराबर है नाक के बराबर है क्योंकि ये हाई गेन का माइक्रोफोन है आप अगर धीरे से भी अगर बोलोगे तो इसके अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड आएगी और कम गेन खोलोगे तो विसल की प्रॉब्लम भी हंड्रेड परसेंट खत्म हो जाएगी 99 नाइन परसेंट नहीं हंड्रेड परसेंट थोड़ा बहुत आपका सिस्टम पे भी डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि हर बार आपका माइक्रोफोन ही बहुत ज़्यादा बेटर वर्क करे आपका सिस्टम भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए मैं ज़्यादा अच्छा का नहीं बोल रहा अगर आप घर पर भी सिंगिंग करोगे अपने पोर्टेबल स्पीकर में कराओगे स्पीकर में तो मैं कह रहा हूँ ये माइक्रोफोन बहुत अच्छा उसके साथ में मैच होगा और आपकी आवाज़ चाहे फटी भी आ रही है दबी भी आ रही है भारी आ रही है पतली आ रही है कैसे भी आपकी आवाज़ है आप हर किसी आवाज़ से परेशान हो तो इस माइक्रोफोन का आप यूज़ कीजिए आप मुझे खुद कमेंट करके बोलोगे कि इतनी सारी खूबी मैंने आज से पहले इस तरह के माइक्रोफोन में कभी नहीं देखी तो गाय ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए स्टार्ट करते आज का वीडियो मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाय जल्दी से हम इन दोनों माइक्रोफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं मैं आपको बता दूं इन माइक्रोफोन के साथ में आपको वन ईयर वारंटी भी मिलेगी जिसको रजिस्टर करना बहुत ही इजी है माइक्रोफोन के बॉक्स के ऊपर साइड में आपको एक बार कोड दिखेगा उसको आप स्कैन कीजिए तो आप सीधा इनकी मेन वेबसाइट पर पहुंच जाओगे नहीं तो आप गूगल में जाके भी क्लो नाम की वेबसाइट सर्च कर सकते हो नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ जाके आप अपने माइक्रो रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे आपको इसके साथ में आपको वन ईयर की वारंटी मिलेगी तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके माइक में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी फ्री में सर्विस हो जाएगी फ्री में वो आपका रिपेयर हो जाएगा तो दोस्तों ऐसा मैं कह रहा हूँ इस बजट के अंदर शायद भी कोई कंपनी आपको ये ऐसा वारंटी देती होगी तो आई थिंक सो ये माइक्रोफोन आपके लिए बहुत बेटर रहेगा तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं राग माइक्रोफोन के बारे में ये दोनों माइक्रोफोन क्लॉक कंपनी के माइक्रोफोन है और ये राग है आप इसके बॉक्स पे देख सकते हो एम आई फिफ्टी एट इसका मॉडल नंबर है काफ़ी कुछ इसके ऊपर मैंसन्स किया हुआ है आप करीब से भी देख सकते हो और उसके अलावा आप नहीं तो अमेज़न पे जाके भी देख सकते हो क्योंकि इसको आपको ख़रीदना रहेगा तो आप अमेज़ॉन पे जाके इसको आराम से खरीद सकते हो और जो ख़रीदने का जो परचेजिंग लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा और प्राइस भी मैं आपको बता दे तो नियर बाई जो उसका प्राइस रहने वाला वो वन थाउजेंड के आसपास रहेगा तो बाकी सब कुछ इस बॉक्स के ऊपर मैंसन है कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है मैं आपको बता दूँ एक ये बॉक्स है एक ये माइक्रोफोन है और एक अलावा इसका ये पैकिंग आपको कवर मिलेगा माइक्रोफोन अंदर डालने के लिए ताकि आपके माइक्रोफोन पे स्क्रैच नहीं लगे धूल मिट्टी से ख़राब नहीं हो और एक यासी आपको केबल देखने के लिए मिलेगी अभी मैंने इसको ओपन कर लिया है और बहुत हैवी क्वालिटी की केबल ऐसा नहीं है कि हल्की क्वालिटी में बनाएँ मैं कह रहा हूँ अगर आप डेली भी यूज़ करोगे तो पाँच से छः महीने तो ये कहीं नहीं जाएगी और उसके बाद में ख़राब होगी तो रिपेयर भी हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है और दोनों में जो जैक है एक्सएलआर जो ये फीमेल है और जैक है दोनों अच्छी क्वालिटी के हैं वायर भी अच्छी क्वालिटी का है और नियर बाई फोर तो टू फाइव मीटर इसका जो लेंथ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप इसका इंडोर और आउटडोर दोनों जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो और सेम ऐसे कॉन्फिग्रेशन आपको एम आई वन टू फाइव अलाब माइक्रोफोन क्लो कंपनी का इसके अंदर मिलेगा वही बॉक्स एक माइक्रोफोन एक कवर पैकिंग का और एक केबल तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आज के वीडियो में हमने एक माइक्रोफोन को नहीं दो माइक्रोफोन को कवर किया है राग और अलाप तो मैं आपको बता दूं ये दोनों माइक्रोफोन ज़रूरी है कि आपको दोनों ही लेने पड़े अब आप पूछोगे कि सर दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है तो मैं कह रहा हूँ दोनों ही बेटर है अगर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब ये मान लो कि धीरे निकलती है बहुत ज़्यादा धीरे निकलती है मतलब गला आपका थोड़ा सा भी प्रेशर लेती दस गने लगता है तो फिर आप एम आई फिफ्टी एट के साथ जा सकते हो और बहुत सारी इसके अंदर क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी और अगर आपके पास मीडियम रेंज में निकलती है आप थोड़ा तार सब तक में गा सकते हो तो आप एम आई वन टू फाइव के साथ जा सकते हो अगर आप मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो आप दोनों माइक्रोफोन को कैसे यूज कर सकते हो तो मैं आपको बता दूँ दो दोस्तों एम आई फिफ्टी एट का आप छाँट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से तबले की छाटी पे ढोलक की छाटी पे हारमोनियम पे सितार पे आप इसका यूज कर सकते हो और एम आई वन टू फाइव का बेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो इवन वोकल में भी कर सकते हो क्योंकि मैंने किया है और अब आप मुझे बोलोगे कि सर आप तो रिव्यू करो इसलिए आप इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैं किसी भी चीज़ का रिव्यू बहुत जल्दी नहीं करता मैं खुद उसको पर्टिकुलर यूज करता हूँ कम से कम एक महीना तो आप मान के चलिए तो मैं आपको बता दूं आप अभी का अभी मेरे वीडियो को पॉज कीजिए फेसबुक ओपन करिए और फेसबुक में जाके सर्च करिए म्यूजिशियन संजय जोशी या डीजे संजय जोशी बीकानेर मेरा एक प्रोफाइल पेज आपके सामने आएगा उसको आप देखिए आपको डेली कोई ना कोई लाइव प्रोग्राम्स के अंदर राग और अलग माइक्रोफोन यूज़ होते हुए दिख जाएंगे मैं आपको पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों मैंने इसका यूज़ सुंदरकांड में जागरण में स्टेज परफॉर्मेंस में कराओ के सिंगिंग के साथ में इवन एक सितार के ऊपर वोकलिस्ट के साथ में बहुत जगह मैंने इस माइक्रोफोन का यूज़ किया है इवन एक भागवत कथा में भी किया है तो एवरीवेयर मैंने इस माइक्रोफोन का यूज़ किया है उसके बाद में मैं आज एक मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपको जो भी मैं जानकारी दूँ वो एकदम परफेक्ट दू बेस्ट दो जैसे मैंने आपको फिफाइन माइक्रोफोन के बारे में बताया था वो माइक्रोफोन आप आज भी यूज़ कर रहे होंगे नहीं कर रहे हो तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा वो वायरलेस माइक्रोफोन है और ये डायनामिक वोकल वायर्ड माइक्रोफोन है दोनों ही बहुत शानदार माइक्रोफोन है माइक में भी वेट है और जो इसकी किट है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ये एम आई फिफ्टी एट को मैं ओपन कर रहा हूँ अभी आप देख सकते हो बहुत ही शानदार माइक है करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ ये तो था एम हमारा 58 अब मैं आपको एम आई वन टू फाइव की भी ओपन करके दिखा देता हूँ दोनों में ऑन ऑफ का स्विच है आप देख दो तो, काफ़ी महंगे माइक का आते जिनमें स्विच ही नहीं आता पर इनमें स्विच है करीब से दिखाता हूँ ये एम आई वन टू फाइव है तो आप इसके किट देख के भी समझ सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी माइक्रोफोन है तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है आपसे कि अगर आप एक लिमिटेड बजट लेके निकले हो और आप बहुत सारी समस्या से परेशान हो जैसे मैंने आपको बताया गला खींचना की विसल मारने की गले में दर्द की तो आप इस माइक्रोफोन के साथ में आराम से जा सकते हो और इस बात की मैं आपको सीरियसली गारंटी देता हूं दोस्तों ये माइक्रोफोन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे क्लॉ कंपनी के माइक्रोफोन है वन थाउजेंड के आसपास आपको मिल जाएंगे घर बैठे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा घर बैठे मंगवाइए और सिंगिंग कीजिए इंजॉय कीजिए चिल कीजिए माइक्रोफोन विसल नहीं करेगा गला नहीं खींचेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी को पता इस तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता हूँ मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी जय हिंद जय भारत राम राम नमस्कार धन्यवाद